हेलो फ्रेंड्स, हम आपको 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस का डिज़ाइन बनाना बता रहे हैं। ये देखिए, इसके लिए हमने एक ये फ्लैट जालीदार घेरा तैयार कर लिया है। अगर आप यह जालीदार घेरा बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप आई बटन पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए, चोली के एंड में हमने ये एक रो जो एक फर्स्ट लाइन बनाई है, इसमें हमने दो बार डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, फिर दो बार, फिर सिंगल, इस तरह से दो बार, एक बार, फिर से दो बार। ये देखिए, दो बार, फिर एक बार, फिर दो बार, फिर ये एक बार, इस तरह से बनाते हुए फर्स्ट सर्कल कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः रो हमने जाली की तैयार किए हैं। देखिए, इस तरह से टोटल 7 रो बनाई है घेरे में। इसी के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से ड्रेस को पकड़कर दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए, ये जो फर्स्ट रो एंड होता है ना, जहाँ पर, वहाँ से शुरू करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पर चेन में क्रोशिया डालकर एक चेन बनाएंगे, और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से पीछे ले जाएंगे। ये देखिए, पीछे निकाल दिया धागा, और अब यहाँ पर डिज़ाइन शुरू करेंगे। एक चेन बनाई, धागे को पीछे से खींच कर टाइट कर लेंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पर दोबारा चेन बनाकर यहाँ पर पक्का कर लेंगे हम एक बार। ये देखिए, इस तरह से ये जो हमारी मिडिल फिंगर है इसको हम यहाँ बीच में लगाएंगे, और ये देखिए, यहाँ से चेन के बीच में से क्रोशिया हुक निकाल कर ये फिंगर को बीच में लेकर इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में इस तरह से फिंगर लगाकर ये देखिए, फिर नेक्स्ट में ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। देखिए, ये हम लगाएंगे फिंगर, इधर से चेन उठाएंगे, इधर से बीच में धागे को देखिए, ये धागा है, उसके बीच में फिंगर रखे, और उसके फिंगर के ऊपर से धागे को चेन में से निकाल के यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। फिर फिंगर निकाल के नेक्स्ट बिल्कुल पास पास बनाते जाएंगे। देखिए, निकाला हमने क्रोशिया हुक चेन में से, यहाँ पर धागे के ऊपर से ऐसे फिंगर लगाया, ये हमने धागे को निकाल कर इस तरह से, ये देखिए, फिर फिंगर बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखिए, हम आपको आगे भी बताते हैं। ये देखिए, चेन उठाया, ये धागा लगाया,
धागे के ऊपर मिडल फिंगर है ये हमारी, ये देखिए जो मिडल फिंगर है उसके ऊपर से इस तरह से, ये देखिए ये फिंगर लगाकर हम इस तरह से इक्वल साइज के ये धागे छोड़ते जाएंगे। ये जो डिज़ाइन में ये जो बनाएंगे ये सारे इक्वल साइज के और पास पास बनाएंगे हम। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे इसके अराउंड, इसके चारों ओर यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन को। तो फ्रेंड्स, हम आगे भी ऐसे ही क्रोशेट के डिज़ाइंस और ट्यूटोरियल के वीडियो डेली लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये देखिए सर्कल कंप्लीट हो गया, और ये देखिए एक बार लास्ट में एक बार और यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए बना दिया, सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये देखिए ये जो नेक्स्ट रो है इनके नीचे से ये देखिए दिखाई दे रही है ना, अब वहाँ पर वर्क करेंगे ये वाली, ये नेक्स्ट पे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर वर्क करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम। इनको ऐसे पीछे करके इस रो को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इन्हें पीछे कर देंगे ऐसे। ये देखिए सेकंड रो, ये जो जाली की चेन है ना इन सब में हम दो दो बार बना रहे हैं। ये देखिए ये जो चेन है, फिर ये नेक्स्ट है, इनके अंदर दो दो बार डिज़ाइन बना रहे हैं हम। ये देखिए इसके पास एक बार और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में ये देखिए ये जो है ना इसमें दो बार बना, हर हर बार हम यही कर रहे हैं,
इनमें दो दो बार बनाते जाएंगे। ये जो चेन दिख रही है यहीं पर दोबारा फिर नेक्स्ट ये जो जाली है इसमें एक बार और यहीं पर फिर नेक्स्ट में ये देखिए सेकंड रो देखिए इस तरह से बनती जाएगी। इसके ऊपर फर्स्ट रो के ये जो फ्रिल टाइप बन रहे हैं ये उसके इस तरह से हम बनाते हुए इसको सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। आपको बता दिया है कि ये जो जाली है इसमें दो बार बनाना है, फिर नेक्स्ट में दो बार, फिर इसी तरह से यहाँ पर ये जो हम वी शेप घेरे को बढ़ाने के लिए ये वी शेप लेते हैं, यहाँ पर एक बार बनाएं, यहाँ पर दो बार, यहाँ पर दो बार, इस तरह से बनाते जाएंगे तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स सेकंड सर्कम, ये जो सेकंड सर्कल है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये लास्ट बार हम बनाएंगे, और यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच से सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ये जैसे फर्स्ट सर्कल है ऐसे इसके नीचे इसी तरह से सेकंड रो में ये सर्कल हमने बनाया, अब थर्ड रो में बनाएंगे। यहीं से हम ये देखिए इसको ऊपर उठा देंगे इस तरह से, ये दिख रहा है ना थर्ड लाइन, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गए हम, अब इनको ऊपर कर देंगे ऐसे, और इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन करते जाएंगे। ये देखिए एक बार और यहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट जाली में बनाएंगे। ये देखिए इसके पास एक बार और बनाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट में ये वी शेप आ गया, ये वी शेप आ गया ना हमारे पास जो हम घेरा बढ़ाने के लिए एक ही में दो बार बनाते हैं, तो यहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। ये देखिए फिर नेक्स्ट में ये जो जाली है इसमें दो बार बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक बार और बनाएंगे, ये देखिए ये जो चाली है थर्ड रो इसमें हम ये इसी तरह से सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हम अपना ये थर्ड सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जैसे हमने सर्कल कंप्लीट किया फिर नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें और लास्ट में यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से हर रो में डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स
हमने सभी रोज को कंप्लीट कर लिया है। बनने के बाद ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड से ये डिज़ाइन ऐसा दिखता है और फ्रंट से ऐसा। आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, जिस भी नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनानी है उसके अकॉर्डिंग घेरे को, चोली को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।